वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने जो पढ़ा था याद है क्या? क्या टॉपिक हमारा चल रहा था? क्या था? गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैंने एक एप्लीकेशन दिखाया था गॉस थ्योरम का, याद है कौन सा एप्लीकेशन था? किसी लाइन चार्ज या फिर चार्ज सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज और चार्ज सिलेंडर। और उसमें मैंने तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 50% ऑब्जेक्टिव है। हर टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव को ही मैं साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है। और हो सकता है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही हो, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पर खास ध्यान दें। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं जिससे उनको पता ही नहीं चलता कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें और इसे लाइक करें दोस्तों। आखिर आप कुछ तो मेरा भी बनता है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, और आप एक लाइक तक नहीं दे सकते, कितनी कंजूसी करते हैं आप लोग। इसलिए है ना, जितने भी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक तो बनता ही है ना मेरा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम का ही दूसरा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है हमारा आज? कोई चार्ज्ड स्फीयर हो, क्या हो? चार्ज्ड स्फीयर, और उससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, यहां पे होलो स्फीयर की बात हो रही है, तो उस चार्ज स्फीयर के लिए उस किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर मीन्स यहाँ पे चार्ज होलो स्फीयर, खोखले गोले की बात हो रही है। इसमें भी तीन कंडीशन होता है, कभी पॉइंट आपका सरफेस पर होगा, कभी अंदर होगा, कभी बाहर होगा। हम लोग सबसे पहले पॉइंट को बाहर रख के चलते हैं, जो कॉमन पोजिशन जो है, कॉमन केस जो है, इसमें पॉइंट जनरली हम लोग बाहर लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर। इफ पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था गॉस थ्योरम के पांच एप्लीकेशन है, पांचों एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप हर साल देखेंगे कि एक क्वेश्चन तो गॉस थ्योरम का पूछा ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो। खासकर आप क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसको देख सकते हैं कि कितनी बार गॉस थ्योरम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में गलती देखिए स्टूडेंट से कहां होती है, स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, एग्जाम में आप पूरा क्वेश्चन पढ़, मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, ये विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम होता है तो स्टूडेंट सिर्फ गॉस थ्योरम पे ध्यान देता है, बाकी किसी पे नहीं, वो गॉस थ्योरम लिख के आ जाता है। नहीं, यहाँ पे गॉस थ्योरम नहीं, गॉस का थ्योरम का एप्लीकेशन है ना, जानते हैं भी स्टूडेंट गलती करके आते हैं, इसलिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप जब भी एग्जाम देने जाए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़े, ध्यान से पढ़े, 15 मिनट टाइम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम आपको। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज यहाँ पे आप कह सकते हैं चार्ज होलो स्फीयर है, हम जब निकालने जा रहे हैं वो होलो स्फीयर के लिए, खोखला गोला, होलो, होलो मीन्स क्या होता है? खोखला, होलो स्फीयर। तो
तो सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं, एक खोखला गोला एक स्फीयर बना लें। इस स्फीयर से ये सेंटर से हम लोग कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लें। इसका रेडियस आप कैपिटल आर मान सकते हैं, मिड पॉइंट ओ है, और यहां से आर दूरी पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे और नजदीक ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि गॉस थ्योरम के हेल्प से बनाना है। तो जहां भी गॉस थ्योरम हम लगाते हैं तो वहां पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है। ये हमारा जो पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डाइव करना, ये पूरा स्फीयर हमारा चार्ज है, इट इज चार्ज्ड होलो स्फीयर। चार्ज देखिए, स्टैंडर्ड चार्ज मैंने शुरू से कहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी चार्ज दिखाना होता है तो जनरली हम लोग प्लस प्लस ही दिखाते हैं। इसमें पहला काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों, एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्फीयर है तो हमारा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। तो ओ को सेंटर मानते हुए, आर को रेडियस मानते हुए हम लोग एक स्फीयर खींचे, इसको होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोलते हैं, एक ही सेंटर वाला स्फीयर, एक ही सेंटर वाला स्फीयर, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींचते हैं हम, डॉट डॉट में खींचे इसको आप। अभी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों वर्टिकली आउटवर्ड होगा, वर्टिकली आउटवर्ड होगा। अब आप मान के चलिए यहां पे जो फिगर बनाया उसको एक्सप्लेन कीजिए, लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस को कैपिटल आर माना है, कंटेन क्यू चार्ज, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट है, ए पॉइंट बी लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर। हमें करना क्या है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रो करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रो करना है। वी ड्रो ए गॉसियन कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर वाला कॉन्सेंट्रिक एस्फेरिकल सरफेस, सरफेस ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर को ही रेडियस मानते हुए सेंटर सेम रखा, इसलिए कॉन्सेंट्रिक कहा गया, एक ही सेंटर वाला ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आप गॉस थ्योरम लगाएं, याद है ना फॉर्मूला, गॉस थ्योरम से हम लोगों ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद कि दोस्तों क्या था, फाइ इक्वल था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से जो फॉर्मूला आया था उसे आप पुट कर, बड़ी आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाइ का फॉर्मूला पढ़ा था E A cos theta equal Q by epsilon naught। एरिया को लिखेंगे आप 4 pi r square into cos theta
theta will be 0 degree and this will be q by epsilon naught. 0 degree क्यों हुआ? आप फिगर से देखें, E वेक्टर और A वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, इससे एंगल 0 डिग्री होगा. 4 पाई आर स्क्वायर पुट करें, cos 01 q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अब देखिए कितनी आसानी से हमारा फॉर्मूला ट्राई हो चुका है. इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दें, 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट लिख दें और इसे अरेंज कर दें. यहां क्या कर रहे दोस्तों, अरेंज क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर. यही हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया. कितना आसान, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है. एक बार फिर से इसे आप समझ लें. क्वेश्चन क्या है कि एक कोई चार्ज्ड होलो, मतलब खोखला गोला है, उसमें चार्ज है, चार्ज जनरली हम लोग प्लस चार्ज ही दिखाते हैं. उसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर है स्फेयर ही खींचते हैं, सिलेंडर हो तो सिलेंडर ही खींचते हैं, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं. देखा जाए फिगर में स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए ओ को सेंटर मानते, इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक एक हम लोग एक स्फेयर खींच रहे हैं और गॉस थ्योरम लगा रहे हैं. गॉस थ्योरम की हेल्प से याद कीजिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अब जब यह स्फेयर बन गया तो हमारा गॉस थ्योरम लगेगा जिसका फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. फाई का फॉर्मूला पढ़ा तब भी सबसे पहले शुरुआत में इस चैप्टर में यहीं से किया था. जिनका छूटा हुआ है वो पहले गॉस थ्योरम का पहला जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ वहां से आप कीजिए, है ना, देख लीजिए फाई का फॉर्मूला. ये गॉस थ्योरम, फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा, सेम डायरेक्शन से थीटा 0 होगा, cos 01 होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इस तरह से ई का फॉर्मूला है क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे इंटू है, इधर जाएगा पाई होगा. आप अरेंज करें 1 बाई 4 पाई नॉट को एक साथ कर दें तो क्यू बाई आर स्क्वायर. क्यों ऐसा करते हैं, आपको पता है कि इस पूरे का वैल्यू 9×10⁻⁹ होता है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान होता है. ये इसका स्मार्ट फॉर्म है, स्मार्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फीयर. तो दोस्तों इसमें अब स्पेशल केसेस करने हैं, तो मैं कहूंगा कि इसका शॉर्ट लिया जाए, स्क्रीन शॉट लेकर लिया जाए, इसको अच्छे से आप नोट करें. तो दोस्तों अब इसमें आपको कुछ स्पेशल केस देखने पड़ते हैं. हम लोग यहाँ पे 2 स्पेशल केस देखेंगे. पहला कंडीशन जो होगा स्पेशल केस में, पॉइंट अगर सरफेस पे हो तो क्या होगा, और दूसरा होगा जब पॉइंट अंदर में. तो चलिए आते हैं लोग स्पेशल केसेस ऑफ गॉस थ्योरम. पहला केस 1, दोस्तों अब गॉस थ्योरम का जो स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल केसेस हैं, उसमें हम लोग आते हैं. इसमें हम लोग 2 स्पेशल केस देखते हैं. पहला जब पॉइंट जो है सरफेस पे हो, जैसे अभी हम लोगों ने पॉइंट को बाहर रखा था, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर था, अब हम लोग पॉइंट को ले आ रहे हैं, कहां पे ला रहे हैं, सरफेस ऑफ द स्फीयर, और फिर हम उसको अंदर लाएंगे. तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग सरफेस पे लाके देखते हैं क्या होगा. एक पॉइंट लाए, लाइन ज्यादा रहना, पॉइंट लाए करता हो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फीयर. तो जैसे आपने भी ये फिगर देखा था, एक होलो स्फीयर देखा था, क्या देखा था, एक होलो स्फीयर और पॉइंट बाहर था. अब हमारा ये जो पी पॉइंट है, आप देखिए पहले पॉइंट हमारा बाहर था, अब देखिए पॉइंट आ गया सरफेस पे, तो ये जो स्मॉल आर है और रेडियस है दोनों इक्वल होगा, देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल. बहुत आसान है, अभी जो आपने फॉर्मूला देखा था इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो इसमें आप करेंगे क्या, 1 बाई 4 पाई
ये तो अपने जगह रहा, Q अपने जगह रहा, R के जगह पे कैपिटल R डाल देना है, हो गया फॉर्मूला राइट। तो इस दो लाइन में आपने फॉर्मूला किया ड्राइव कब, जब हमारा पॉइंट चार्ज स्फीयर के कहां पे हूं, सरफेस पे, क्योंकि चार्ज स्फीयर के सरफेस पे। अब हम लोग केस टू दिखा है, स्पेशल केस टू। अगर पॉइंट अंदर आ जाए तब क्या हो, एक पॉइंट लाए इन साइड ऑफ द स्फीयर, पॉइंट अंदर में आ जाए, अंदर इन साइड ऑफ द पॉइंट जो है अब चार्ज स्फीयर के अंदर आ रहा है। यहां पे आ गया पॉइंट, ये चार्ज स्फीयर है हमारा और पॉइंट जो है अंदर में कहीं पे भी आ रह सकता है। ये पॉइंट रेडियस कैपिटल आर था, डिस्टेंस अब स्मॉल आ रहा है पॉइंट पर जो, लेकिन अंदर है पॉइंट। तो यहां पर भी अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो क्या होगा, इस चार्ज स्फीयर के अंदर ये स्मॉल आर का जो रेडियस खींचे हैं यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पे चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे गॉस थ्योरम लगाइए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या फॉर्मूला पढ़ा, फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव का फॉर्मूला पुट करें, ये कॉस थीटा इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एरिया आप स्क्वायर कर ले सकते हैं, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थीटा यहां पे भी जीरो डिग्री ही होगा, और चार्ज अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, जब भी किसी स्फीयर पे चार्ज देंगे याद रखें चार्ज आउटर सरफेस पे होता है, दिखा रहे ना साहब चार्ज के बाहर दिखा रहा हूं, इसके अंदर इस स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये जीरो गया, जीरो बाई समथिंग, अब ये कॉस जीरो वन होगा, ये ऊपर में जीरो है, जीरो बाई आप फोर पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में क्या हो गया, जीरो हो गया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये आपका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एनी चार्ज्ड स्फीयर will be zero, हर पॉइंट्स पे जीरो, अंदर के हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जीरो होगा, ई विल बी जीरो, चाहे कहीं पे भी रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान चार्ज स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पर कितना होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों ये दो स्पेशल केस करने पड़ रहे हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले जाए, ये अच्छे से नोट करें आप। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, यहां पे भी कई ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव होमवर्क दे रहा हूं, बहुत खुशी की बात है इस बार बहुत सारे लड़कों ने ऑब्जेक्टिव कैंसिल दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीछे रह गए। दोस्तों एक्टिव बने और आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दें। अच्छा मैं पिछले सवाल का जो पिछले जो वीडियो था उसमें जो इतने भी ऑब्जेक्टिव थे तीनों का आंसर बी बी ही है, इससे पहले वाले में सी सी था, मैं ऐसा ही को दे रहा हूं कि ताकि आपको मुझे आंसर बनाने में आसानी हो, आप अपना जवाब मिला सकते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें जो तीन ऑब्जेक्टिव था तीनों का आंसर मैं पहले लिख रहा हूं, आंसर वन का भी आंसर जो है एक नंबर क्वेश्चन का बी, आंसर दो नंबर का भी बी ही था, और
बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और तीसरे का भी बी ही था। और इससे पहले वाले भी जो गॉस थ्योरम वाला था हमारा, उसमें भी उसमें सी सी था सबका ऑप्शन। तो चलते हैं हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कंपलसरी होमवर्क होगा। इसमें पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाई एट 2 cm एंड 4 cm डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 cm एंड चार्ज 1 μC इज। आपके पास ऑप्शन है 1:2, 2:1, 4:1 एंड 1:4। दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एनी चार्ज स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 cm, चार्ज 20 μC इस। ऑप्शन है 200 N/C, 300, 400, and 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ एनी चार्ज्ड स्फीयर बिकम्स डबल then electric flux becomes a number में कह रहा है 2 times, b number है 4 times, c number है 1/4 times और डी नंबर में है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। तो अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन सही जवाब है। उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे आपसे बन जाएगा। मैं अगले एपिसोड में इन सवालों का फिर जवाब दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आपसे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाके, या फिर आप मेरा नंबर तो सबके पास होगा ही, आप कॉल करके भी अपने प्रॉब्लम्स को हमसे साझा करें, क्योंकि डाउट है उन्हें क्लियर करें। 7717704149 पे कॉल कर सकते हैं, 9097590611 पे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर पे जाकर आप
जरूर अपने समस्याओं का हमसे साझा करें। धन्यवाद।